हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है द मोस्ट रिक्वेस्टेड मीशो साड़ी हॉल। नाउ इफ एट ऑल आप लोगों को पता है कि मीशो क्या है, तो प्लीज़ दो चार मिनट आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पता नहीं है अब तक कि मीशो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मीशो अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको यहाँ वहाँ से डाउनलोड नहीं करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में एक लिंक मैं पिन कर दूँगी, उस लिंक से ही आपको मीशो डाउनलोड करना है। तो अगर आप उस लिंक से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको 150 रुपीज़ आपके मीशो के अकाउंट में मिल जाएगा, जिससे आप फ्री की शॉपिंग कर सकते हैं। एंड आपको लिटरली ये ऐप ट्राई करने के लिए ना अपने पॉकेट से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप कुछ भी छोटा मोटा मंगवा के देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो। सो दिस इज़ वन थिंग। नाउ मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। बस कुछ चीज़ें होती, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, उनको आपको दूसरों को या फिर यू नो व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी ग्रुप में शेयर करना है, किसी को अगर अच्छा लग जाए तो वो प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर करना है अपना मार्जिन डाल के। 100 रुपये की चीज़ है, आपको 50 रुपीज़ का मार्जिन डालना है एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको सेल कर देना है। एंड उसके बाद अगर 7 डेज़ का रिटर्न विंडो, एक्सचेंज विंडो खत्म हो जाता है एंड वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता है, तो वो जो 50 रुपीज का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, ये इस ऐप से आप खुद के लिए भी चीजें खरीद सकते हो। सिंस इट्स अ रीसेलिंग ऐप, तो ये जो प्राइसेस रखे हुए हैं, सेलर्स को पता है कि इसमें लोग मार्जिन डाल के आगे बेचेंगे, तो जो प्राइसेस है मोस्टली वो काफी ज्यादा कम होते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट जर्नी वीडियो प्ले करके बताऊंगी कि किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो फर्स्ट, अगर आपको ये ऐप पैसे कमाने के लिए चाहिए तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट पे जो आपको बेचना है वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वाले कुर्ता सेट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे एक पे मैंने क्लिक कर लिया। एंड अगर आपको किसी को सेल करना है तो बस आपको कोई भी ग्रुप पे इसको शेयर कर देना है एंड इमेज एंड डिस्क्रिप्शन के साथ आपको शेयर कर देना है। तो उसके बाद मान लो आपको ऑर्डर मिल गया या फिर आपको किसी भी तरीके का ऑर्डर प्लेस करना है खुद के लिए या किसी और के लिए, तो आपको वो प्रोडक्ट पे जाना है एंड साइज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू कार्ट करना है एंड उसके बाद कार्ट में जाना है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, अगर दूसरे के लिए कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी, अगर खुद के लिए कर रहे हो तो भी कैश ऑन डिलीवरी, या फिर आप ऑनलाइन ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। एंड इसी तरीके से बस आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर आप दूसरे के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मार्जिन में आपका जो भी मार्जिन है डालना है। तो यहाँ पे मैं 52 रुपीज़ का मार्जिन डाल रही हूँ, जो 52 रुपीज़ अगर मैं बेचूँगी तो मुझे वो मिल जाएगा। एंड ऐसी ही कोई चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है तो ऐड टू कार्ट करना है एंड मार्जिन के जगह जो भी प्राइस दिया हुआ है, जैसे 598 दिया हुआ है, आप 599 डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते। सो आपने देख लिया, इफ एट ऑल आपको फिर भी क्वेश्चंस है तो मैंने एक फुल गाइड टू मीशो ऐप इस तरीके का वीडियो बनाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट, आपको जो मीशो का ऐप है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, आपको मेरे वाले लिंक से ही करना है फॉर दैट 150 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो मीशो पे चल रहा है उनका होली सेल एंड आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, 50-60-80% तक के डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एंड इनका जो होली सेल है इसमें आपको प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको VIP प्राइजेस भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम तक होता है। एंड मीशो पे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, तो कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप तुरंत जाके खरीद लेना एंड डेफिनेटली इस सेल का भी फ़ायदा आप उठाना मीशो डाउनलोड करके। सो जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है कि मैंने काफ़ी सारी ब्यूटीफुल सी बनारसी साड़ीज़ खरीदी है, मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मीशो साड़ी हॉल डेफिनेटली कीजिए, सो हाउ कुड आई से नो टू यॉल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वाले साड़ीज़ खरीदे हैं, जो कि सिल्क साड़ीज़ है, बनारसी साड़ीज़ है, और सारे के सारे अंडर 700-750 रुपीज़ तक के मुझे मिल गए थे। सो फर्स्ट जो साड़ी है ये इस तरीके की साड़ी है, सिल्क की साड़ी, सारी के सारी सिल्क साड़ीज़ ही है एंड सारे पे सिल्क या बनारसी ही लिखा था। तो ये इस तरीके की कलर कॉम्बिनेशन में आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल पैटर्न इस पे दे रखा है। नेवी ब्लू कलर का साड़ी है एंड पल्लू आप देख सकते हो इस तरीके का रेड कलर का पल्लू है एंड इस पे इस तरीके के मोर वाले डिज़ाइन दे रखे हैं। बॉर्डर आप देख सकते हो, बॉर्डर साड़ी का बहुत ही ज़्यादा हैवी दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा बॉर्डर दे रखा है। क्वालिटी साड़ी की
काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से नीचे अगर आप देखोगे प्लेट्स पे, इस तरीके का आपको दिख जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क दे रखा है। एंड 700-750 तक की ये साड़ीज़ है, उससे भी अंडर ये साड़ीज़ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गिफ्टिंग ऑप्शन भी अच्छा बन जाता है। एंड सिल्क की साड़ीज़ जो है ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते, सो डेफिनेटली आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। एंड इन साड़ीज़ को ना पहनने का कोई उम्र नहीं होता है, अगर टीनेजर्स भी पहने शौक के लिए तो वो भी अच्छा लग जाता है, एंड अगर कोई मच्योर पहन रहा है, कोई बीच के उम्र का पहन रहा है, डजेंट मैटर, दीज आर एवरग्रीन साड़ीज़। सो दिस इज द फर्स्ट वन, एंड आपको ट्राई ऑन हॉल में दिख ही रहा होगा कि ये किस तरीके का लगता है, सुपर डुपर एलिगेंट साड़ी। ब्लाउज के लिए आपको इस तरीके का प्लेन ब्लाउज मिल जाता है, उसके बाद हाथ पे इस तरीके का आपको डिजाइन मिल जाएगा जो साड़ी के बॉर्डर पे भी दिया हुआ है। साड़ी है, इट इज दिस कलर, एंड ये थोड़ा सा गाजरी रंग का साड़ी है, एंड इस पे आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर मिल जाएगा। तो ये जो गाजरी रंग की साड़ी है, ये काइंड ऑफ धूप छाव वाला मटेरियल है, अगर थोड़ा सा टिल करोगे तो थोड़ा सा ब्लैकिश भी दिखता है ये, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छा इफेक्ट आता है। धूप में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अलग सा ही ये शाइन करेगा। तो ये इस तरीके के कैरी वाला डिजाइन इस पे बना हुआ है, एंड आप देख सकते हो बॉर्डर इसका जो है ऊपर से प्लेन है, एंड थोड़ा सा गोल्डन कलर का इस तरीके का बॉर्डर दे रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे साड़ी को, टोटल साड़ी में इसी तरीके का वर्क है, एंड पल्लू अगर आप देखोगे तो ब्लैक कलर एंड इस पे गोल्डन कलर का डिजाइन दे रखा है। एंड ये भी जो डिजाइन है ये टोटल कैरी वाला डिजाइन है इस तरीके का। एंड अगर साड़ी के ब्लाउज की बात करें तो ब्लाउज इस तरीके का दे रखा है, जो कि प्लेन ब्लाउज दे रखा है, एंड साइड में आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा, जो कि आप साड़ी सॉरी ब्लाउज के हाथ पे लगा सकते हो, स्लीव्स पे लगा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड टोटल साड़ी जो है, कलर जो है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा कलर है। के बाद फिर मैंने ये पर्पल वाली साड़ी खरीदी, जो पहले वाली साड़ी मैंने आपको दिखाई गाजरी रंग की, उसी तरीके की सेम साड़ी है, कैरी वाला डिज़ाइन बना हुआ है इस पे, एंड इसे मैंने खरीदा बिकॉज आई रियली लाइक द कलर। एंड ये वाले जो साड़ीज़ है मैं सेम सेलर से खरीदा, तो मुझे लेकिन मैं एक साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर पा रही थी क्योंकि सेम सेलर से खरीदा है। तो ये वाला जो कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये इस तरीके का ब्राइट पर्पल कलर है, इस पे इस तरीके के कैरी डिज़ाइन का बुटिया बनी हुई है, उसके बाद जो बॉर्डर आप देख सकते हो प्लेन रेड कलर का बॉर्डर है, एंड उसके साथ साथ इस तरीके का हल्का सा एक बॉर्डर दे रखा है जो अगेन गोल्डन कलर में है इस तरीके का। एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाओगे तो पूरा का पूरा जो साड़ी है इसी तरीके के पैटर्न का आता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे पल्लू स्टार्ट होता है इस तरीके का, पल्लू में आप देख सकते हो सेम जैसे वो पहले वाले साड़ी में दे रखा था, इस साड़ी में भी उसी तरीके का डिज़ाइन दे रखा है, एंड रेड कलर का साड़ी इस तरीके का बॉर्डर है इसका, जो पल्लू है इसका इस तरीके का है, एंड इस पे गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा हैवी वाला वर्क दे रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच लगता है। एंड अगर इसके ब्लाउज़ की बात करें तो ब्लाउज़ इसका इस तरीके का है, आपको ये ब्लाउज़ मिल जाएगा जो कि टोटल पर्पल कलर का ब्लाउज़ आपको मिल जाएगा इस तरीके का। एंड इसके साथ साथ इस तरीके का जो बॉर्डर दे रखा है रेड कलर का, उसी तरीके का बॉर्डर आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का हल्का सा एक छोटा सा बॉर्डर दे रखा है, जो कि गोल्ड का बॉर्डर है। एंड डेफिनेटली इस तरीके का प्लेन ब्लाउज है, तो इसके बैक के साथ आप काफ़ी ज़्यादा शेप एंड ऑल आप डेफिनेटली बना सकते हो, एंड हाथ पे भी डिज़ाइन बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि ब्लाउज जो है काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है। इसके बाद मैंने ये साड़ी खरीदी है, नाउ ये वाला इससे पहले जो पर्पल है, उससे पहले जो गाजरी रंग का साड़ी है, ये लगभग सेम है क्योंकि मैंने कलर्स में ऑर्डर किए हैं, एंड सारे मैंने अपने लिए नहीं ऑर्डर किए हैं, कुछ घर वालों के लिए भी मैंने ऑर्डर किया है, इसीलिए पैटर्न काइंड ऑफ सेम है, बट थोड़ा सा लाइक इट्स सेम बट इट्स स्टिल अ लिटिल डिफरेंट, एंड ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन भी इस तरीके का है तो काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट लगता है। एंड ये वाला जो साड़ी है आप देख सकते हो ये पूरा बंगाली स्टाइल वाला साड़ी है, दिस इज़ कॉल्ड एज लालपाड़ साड़ी, एंड ये इस तरीके का है, आपको वाइट या थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का यहाँ पे ये कलर मिल जाएगा, एंड इस पर भी बुटिया बनी हुई है जो कि कैरी वाली डिज़ाइन की है इस तरीके की। एंड अगर आप बॉर्डर देखोगे तो प्लेन रेड कलर का बॉर्डर है, इस पर भी हल्का वाला डिज़ाइन दे रखा है, जो कि पहनने पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, एंड पहनने पर ये बहुत ज़्यादा रिच लगता है, ऐसा नहीं लगता है कोई भी एक्चुअली साड़ी अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगता नहीं है कि दे आर 700 और 750 रुपीज़ के साड़ीज़।
तो उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये जो पल्लू स्टार्ट होता है, ये भी पल्लू जो दे रखा है ये बहुत ही ज़्यादा रिच लगता है, जस्ट बिकॉज ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का आपको पल्लू मिल जाएगा। ये साड़ी इसको डेफिनेटली आपको आपका जो ये बॉर्डर है साड़ी का उसको आपको फॉल पीको ज़रूर कराना पड़ेगा, क्योंकि सिल्क की साड़ीज़ है, एक धागा निकल गया तो यू नो मोस्टली सिल्क की साड़ी इसको फॉल पीको की ज़रूरत होती ही है एंड्स में इस तरीके के। तो उसके बाद फिर ब्लाउज़ की बात करें तो यहाँ पे सेम इसी तरीके का मिनिमल सा ब्लाउज़ दे रखा है जो कि ऑफ वाइट कलर का है, एंड स्लीव्स के लिए इस तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन दे रखा है, एंड ये पहनने पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो लास्ट जो साड़ी मैंने ख़रीदी है ये मैंने अपने लिए ख़रीदी है, एंड ये मुझे ये सब साड़ीज बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बट ये वाला जो साड़ी है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैं जैसे मैंने ट्राई ऑन हॉल करके देख लिया, द कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस साड़ी। ये साड़ी जितना इन पर्सन अच्छा लग रहा है उतना कैमरा पे उसका हाफ भी नहीं लग रहा है। सो आई डोंट नो कि कैमरा पे आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट अगर आप इसे यू नो पर्सनली पहन के देखोगे तो आपको ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत आई रियली लव दिस साड़ी। डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो ये वाला जो साड़ी है बहुत सारे कलर्स में था अवेलेबल आई थिंक, बट मुझे यही वाला कलर अच्छा लगा एंड एक और कलर था बट देन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो डेफिनेटली इसे मंगा के देखना, ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला साड़ी है। तो आपको ब्लाउज़ के लिए इस तरीके का प्लेन आपको ब्लाउज़ मिल जाएगा जो कि नेवी ब्लू कलर का है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन है। तो ये बॉर्डर है साड़ी का, एक साइड का बॉर्डर है, उसके बाद इस तरीके का आपको यू नो वी शेप का इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा, एंड नीचे अगर आप देखोगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला बॉर्डर दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉर्डर दे रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है। एंड पूरे के पूरे साड़ी में सेम ही डिज़ाइन है, एंड सबसे ज़्यादा इन सब में से अगर क्वालिटी किसी साड़ी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक इट्स आउटस्टैंडिंग, तो इट इज़ दिस साड़ी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। एंड अगर आप यहाँ पे पल्लू देखोगे तो आपको इस तरीके का पल्लू मिल जाएगा, यहाँ से पल्लू स्टार्ट हो रहा है एंड उसके बाद ये पल्लू इस तरीके का हो जाता है, एंड बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला वर्क दे रखा है। आई वुड हाईली रिकमेंड अगर किसी को गिफ्ट करना है या फिर आपके मम्मी या कोई भी इस तरीके के साड़ीज़ पहनते हैं तो अगर आप ये दोगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई पर्सनली लव्ड इट। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं बहुत ज़्यादा बोल्ड पैटर्न है, पता नहीं मुझ पे कैसा लगेगा, बट जैसे ही मैंने पहना लाइक मिरर में देखा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट ट्राई ऑन हॉल में पता नहीं इतना ज़्यादा लाइक खिल के नहीं दिख रहा था जितना इन पर्सन अच्छा लग रहा था। सो डेफिनेटली अगर आपको थोड़ी सी भी ये साड़ी पसंद आए तो डेफिनेटली बाय दिस। दिस इज़ अ रियली नाइस साड़ी एंड पहनने पे बहुत सुंदर लगता है। आई एम वेरी श्योर अगर आप इसे पहनोगे तो आपको बहुत सारे लोग पूछने वाले कि ये पर्टिकुलर साड़ी आपने कहाँ से लिया। सो दोज वर ऑल द साड़ीज़ दैट आई गॉट, एंड ये वाले जो साड़ीज़ हैं आई थिंक मैंने मीशो से ये सेकेंड टाइम में मंगवाए थे। सिल्क साड़ीज़ तो फर्स्ट टाइम में मंगवाया था, इससे पहले मैंने एक ऑर्गेन्जा सिल्क का साड़ी मंगवाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल था। आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हो, मीशो का मैंने प्ले लिस्ट बनाया जहाँ पर मैंने आई थिंक 7 to 10 वीडियोज़ बनाए हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड इफ एट ऑल आपको ये वाला हॉल वीडियो अच्छा लगा, कुछ साड़ीज़ मैंने सिमिलर मंगवाए हैं जस्ट बिकॉज मुझे कलर्स अच्छे लगे एंड प्लस I have to give them to a few family members, and सारे के सारे मैंने अपने लिए नहीं मंगवाए तो हमें मैच करके पहनना था। एंड दिस पर्टिकुलर साड़ी जो मैंने आपको दिखाई ये मैंने होली एंड सोली अपने लिए मंगवाया है। सो इफ एट ऑल आप इस तरीके की वेरिएशन वाली साड़ीज देखना चाहोगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई वुड लव टू डू दोज। एंड मुझे बहुत सारे ऑलरेडी साड़ीज अच्छे लगे तो मैंने विश लिस्ट में डाल रखा है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस तरीके का साड़ी हॉल देखना चाहोगे या नहीं। डू नॉट फॉरगेट, अगर आपने मीशो अब तक डाउनलोड नहीं किया है मेरे दिए हुए लिंक से ही करना, आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।